16 दिसंबर 2012 एक ऐसी रात जिसने पूरी दिल्ली के इतिहास को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। रात 9:30 पर 23 साल की फिजियोथेरेपी स्टूडेंट ज्योति सिंह ने अपने दोस्त के साथ एक सफ़ेद रंग की प्राइवेट बस को बोर्ड किया जिसमें 6 लोग थे। दोनों उस बस पे चढ़े इस उम्मीद में कि वो बस उन्हें उनके घर पहुँचाने में मदद करेगी। उन दोनों को उस बस में 6 लोगों ने लोहे की रॉड से पीटा, ज्योति सिंह का कई बार रेप किया और उसके प्राइवेट पार्ट्स में फिर उसी रॉड को डाल दिया। रात 10:30 के करीब इसी बस में उन दोनों को भारी सर्दी में बिना कपड़ों के गहरी इंजरीज के साथ सड़क पर तड़पने के लिए फेंक दिया गया। वो दोनों खून से लथपथ दर्द में मदद के लिए चिल्लाते रहे। ज्योति सिंह कई दिनों तक बहादुरी से अपने जख्मों से लड़ती रही और 29 दिसंबर 2012 के दिन सिंगापुर में उसने अपनी आखिरी सांस ली। ज्योति सिंह, भारत की बेटी, निर्भया। यही है कि उन्हें फांसी से भी बदतर सजा होनी चाहिए। People here standing in solidarity. The parents along with other protesters were gathered. Whenever we come to a discussion about women. इस वीडियो में निर्भया और उसके गुनहगारों के कुछ ऐसी डिटेल्स जानते हैं जिसमें हम इंसाफ के सही मतलब को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। निर्भया का रेप 6 लोगों ने किया था, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, मुकेश, राम सिंह और एक 18 साल से भी कम उम्र का जुवेनाइल, जिसकी आइडेंटिटी आज तक डिस्क्लोज नहीं हुई। निर्भया की दर्दनाक मौत का पहला मुजरिम था पवन गुप्ता। वो अपनी ज़िंदगी में फल बेचकर गुजारा करने वाला, अपने माँ बाप और छोटे भाई बहन के साथ साधारण घर में रहने वाला पवन गुप्ता सिर्फ 19 साल का था जब उसने निर्भया का रेप किया। पवन गुप्ता की उम्र एक बहुत बड़ा कारण थी जिसकी वजह से इस केस के ट्रायल को 7 साल लग गए। उन 7 सालों में गुप्ता के वकीलों ने उसकी उम्र को एक मर्सी का कारण बताया। केस की शुरुआत में उसके वकील ने पवन को जुवेनाइल की तरह दिखाने की कोशिश की। उनका कहना था कि पवन ने बचपने में आकर वो रेप किया। उसके लॉयर्स ने उसकी एज 18 साल से भी कम प्रूव करने के लिए कोर्ट से बोन ऑसिफिकेशन यानी उसकी हड्डियों की जाँच करवाने की भी मांग करी, पर कोर्ट ने पवन गुप्ता के पिटिशन को कई बार रिजेक्ट किया और पवन के लॉयर्स पर 25,000 रुपये का फाइन भी लगाया फॉर वेस्टिंग कोर्ट्स टाइम एंड फॉर यूजिंग डिलेइंग टैक्टिक्स। निर्भया का दूसरा गुनहगार था अक्षय ठाकुर। ठाकुर 28 साल का था जब उसने ये अपराध किया था और घटना के तुरंत बाद अक्षय अपने बिहार के गाँव में भाग गया था। अक्षय के भागने के कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने उसको उसके गाँव से पकड़ लिया। वो एक शादीशुदा इंसान था और उसका एक 10 साल का बेटा भी था। ठाकुर कॉन्ट्रैक्ट बसेस में हेल्पर के तौर पे काम करता था और उसके पास कोई फिक्स्ड एड्रेस नहीं था। वो अक्सर रात में बस में ही सोया करता था। निर्भया का रेप करने के बाद उसे और उसके दोस्त को बुरी तरह पीटने के बाद ठाकुर ने उस खून से लदी बस को धोकर सारे सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश की थी। इनफैक्ट निर्भया के पूरे शरीर पर गहरे बाइट मार्क्स भी थे। उन बाइट मार्क्स को एग्जामिन करने के बाद पता चला कि वो बाइट मार्क्स अक्षय ठाकुर के दिए हुए थे। इतने मर्सीलेस क्राइम को अंजाम पहुंचाने के बाद सजा से बचने के लिए ठाकुर ने कोर्ट में ये दावा किया दिल्ली के पोल्यूशन से उसकी उम्र वैसे ही कम हो जाएगी तो उसे पोल्यूशन की वजह से फांसी की सज़ा ना दी जाए। निर्भया का अगला कल्प्रिट, जो उस समय सिर्फ 20 साल का था, विनय शर्मा। विनय शर्मा बाकी 6 अपराधियों से कुछ अलग था। 20 साल का विनय शर्मा एक जिम इंस्ट्रक्टर था। शर्मा अपने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री को कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहा था और जल्द ही इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता था। अप्रैल 2013 में विनय शर्मा एयरफोर्स के एग्जाम के लिए फिर से अपेयर होने ही वाला था कि जेल के अंदर उसका बायां हाथ बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया और उसकी बाईं टांग पर काफी सीवियर चोटें आईं। विनय के लॉयर्स का कहना था कि उसके फेलो इनमेट्स उसे जेल में अक्सर पीटते थे और वो जेल में सेफ नहीं था। उनका कहना था कि सेफ्टी रीजंस के लिए उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए और उसे वापस जेल ना भेजा जाए। 2016 में विनय ने कुछ पिल्स खाकर अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश भी करी थी। कोर्ट से मर्सी की मांग के लिए उसके लॉयर्स ने उस अटेम्प्ट और डिप्रेशन एक कारण बताया और ट्रायल को कई सालों तक खींचा। निर्भया का अगला गुनहगार था मुकेश। मुकेश का बीबीसी के साथ इंटरव्यू किसे याद नहीं है।
ना चेहरे पर शिकन, ना अपने किए पर कोई भी शर्म। उस इंटरव्यू में मुकेश ने कहा था कि कोई भी अच्छे घर की लड़की 9 बजे के बाद बाहर नहीं घूमती और रेप के लिए लड़कियों का ज्यादा दोष है। उसने कहा कि अगर उसे डेथ पेनल्टी मिली तो इंडिया में लड़कियां और भी अनसेफ हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें उनके रेपिस्ट रेप करने के बाद जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुकेश बस का क्लीनर था। निर्भया रेप केस की रात 26 साल का मुकेश ही था जो बस को चला रहा था। मुकेश ने ही निर्भया और उसके दोस्त को प्राइवेट बस पर चढ़ने के लिए इंसिस्ट किया था। मुकेश ने ही एक आयरन रॉड से उन दोनों को पीटा था और उस बस को खून से भर दिया था। पर कोर्ट में मुकेश के लॉयर ने क्लेम किया कि मुकेश ने निर्भया का कभी रेप किया ही नहीं, क्योंकि मुकेश उस वक्त सिर्फ बस को चला रहा था। सुप्रीम कोर्ट में मुकेश के लॉयर्स ने यह भी क्लेम किया कि मुकेश को जेल के अंदर सेक्सुअली असॉल्ट करा जा रहा था। उसके लॉयर्स ने मुकेश के साथ हो रही ब्रुटैलिटीज के चलते इस केस पर मर्सी पिटीशन की कई बार मांग करी और उस केस को डिले करने की पूरी कोशिश करी। इन चारों के लॉयर्स ने कई कोशिशें करी फॉर मर्सी पिटीशन एंड टू डिले द ट्रायल इन द कोर्ट। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स ने ट्रायल को 7 साल लंबा तो बना दिया था, पर आखिरकार 20 मार्च 2020 को मुकेश, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा को फांसी की सजा दी गई। गुनेगार 6 और फांसी 4 को। निर्भया केस में 2 ऐसे कल्प्रिट्स भी थे जिन्हें शायद सजा मिली ही नहीं। 6 रेपिस्ट के ग्रुप में एक उम्र में सबसे बड़ा और दूसरा सबसे छोटा, राम सिंह, उम्र में सबसे बड़ा, मुकेश का बड़ा भाई और उस बस का ड्राइवर। इन 6 लोगों में से सबसे ज्यादा एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाला राम सिंह एक रेपिस्ट, एल्कोहलिक और एक विडोअर था, जो अक्सर अपने पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े करता था। 2009 में राम सिंह का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसने अपना हाथ इंजर कर लिया था। एक इंजर्ड हाथ के बावजूद भी राम सिंह उसी बस को चलाता था। 16 दिसंबर की रात दिल्ली के महिपालपुर एरिया में चलती बस में ये रेप हुआ था और महिपालपुर एरिया के होटल्स के CCTV फुटेज की मदद से सबसे पहले राम सिंह को अरेस्ट किया था। अरेस्ट होने के बाद तिहाड़ जेल में राम सिंह वहाँ ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाया। 11 मार्च 2013 को जेल के अंदर राम सिंह की लाश मिली। राम सिंह की लाश उसकी शर्ट से तिहाड़ जेल की खिड़की पर लटकी थी। पुलिस का क्लेम था कि राम सिंह ने जेल के अंदर सुसाइड किया था, जबकि उसके लॉयर्स और उसके परिवार का कहना था कि राम सिंह ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसके इनमेट्स ने उसका जेल की सख्त सिक्योरिटी के बावजूद पूरी तरह असॉल्ट और मर्डर किया था। इतने भयानक क्रिमिनल और उसने कुछ दिनों में ही हाई सिक्योरिटी में कर लिया। राम सिंह की अचानक हुई मौत से क्या निर्भया को इंसाफ मिला? जहां बात इंसाफ को जांचने की आती है, तब निर्भया के आखिरी कातिल और रेपिस्ट को कौन भूल सकता है? एक जुवेनाइल जो पवन गुप्ता से सिर्फ कुछ ही महीने छोटा था, जिसने निर्भया का उस चलती बस में 2 बार रेप किया था और उसके प्राइवेट पार्ट्स में लोहे की रॉड डालकर निर्भया के इंटेस्टाइन्स में सीरियस इन्फेक्शंस फैला दिया, जिन इन्फेक्शंस की वजह से निर्भया ने 29 दिसंबर 2012 को अपनी जान गंवा दी। ऐसे घिनौने क्राइम्स करने वालों को सिर्फ 3 साल में ही जेल से आज़ाद कर दिया गया। कोर्ट में उसकी सज़ा को कम करवाने के लिए उसके लॉयर्स ने पुराने मिट्टी से भरे, पीले पड़ चुके कुछ स्कूल के कागज़ कोर्ट में प्रेजेंट करे टू शो कि वो रेप करते वक्त एक नाबालिग था। ये नाबालिग उत्तर प्रदेश के इस्लाम नगर में रहने वाला एक बहुत गरीब परिवार से था, इसलिए जब 2012 के उस क्राइम के बाद उसको सज़ा के तौर पर रिमांड होम में 3 साल के लिए भेजा गया, वो रिमांड होम उसके लिए सज़ा नहीं बल्कि उसका पहला घर था, जहां उसे एक छत मिली, पहनने को कपड़े और पेट भरने के लिए खाना मिला। इनफैक्ट 3 साल की सज़ा काटने के बाद भी ये एक ऐसा अपराधी था जिसने वहाँ से जाना नहीं चाहा। उसकी सज़ा पूरी होने के बाद भी उसने अपनी सज़ा बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन मांगी ताकि वो कई और महीने उस रिमांड होम में ही काटे, लेकिन 2015 में जेल से छूटने के बाद ये आखिरी अपराधी मानो जैसे गायब ही हो गया। उसको दिल्ली गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये ग्रांट किए और सिलाई की मशीन भी दी ताकि वो अपने लिए एक टेलर की शॉप खोल सके। वेल, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक उस जुवेनाइल को एक एनजीओ ने भी सहारा दिया और हिंदुस्तान टाइम्स के 2017 के डेटा के हिसाब से आज साउथ इंडिया में कहीं एक कुक की तरह काम कर रहा है। मीडिया में और पूरे देश में कई प्रोटेस्ट हुए जिनमें से इस जुवेनाइल को दी गई सजा को बहुत ज़्यादा अनफेयर माना गया। फिर भी इतने शोर के बावजूद निर्भया का एक रेपिस्ट और मर्डरर
आज हमारे बीच में खुले आम घूम रहा है। निर्भया रेप एंड मर्डर केस एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था, और फिर भी 6 में से सिर्फ 4 को फांसी की सजा दिलवाने में हमारे जुडिशियल सिस्टम को 7 साल लग गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में आज भी हर रोज 86 रेप केसेस फाइल होते हैं, और कहते हैं कि 99% ऑफ केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट कभी फाइल कहीं होते ही नहीं। निर्भया केस ने हमारे देश में क्रांति और वुमेन सेफ्टी पे कई सवाल उठाए। इतने सवालों और प्रोटेस्ट के बाद वुमेन सेफ्टी को इंडिया में और मजबूत करने के लिए 2013 से रेप और सेक्सुअल क्राइम की सजा को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। सेक्शन 376 के अंडर रेप करने वालों को मिनिमम 7 से 10 साल की सज़ा होगी, और रेप एंड मर्डर केस में मिनिमम 20 साल की सज़ा कल्प्रिट को दी जाएगी। इस केस के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी सीरियस चेंजेस आए, जिसमें अब अगर एक्यूज 16 से 18 साल की उम्र का है और उसने काफ़ी सीरियस क्राइम कमिट किया है तो उसके केस को सीरियस पनिशमेंट के लिए भी कंसिडर किया जाएगा। चेंजेस तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में काफ़ी आए, पर फिर भी दिल थोड़ा दहल सा जाता है ये सोचकर आज भी इंडिया में कितने रेप केसेस हैं, कि आज भी कितनी औरतें हमारे देश में सेफ फील नहीं करती। निर्भया को न्यूज़ चैनल पर भारत की बेटी कहा जा रहा था, पर क्या भारत की बेटी को कभी सच में इंसाफ मिला? क्या आज इतने सालों बाद भी भारत की बेटियां सुरक्षित हैं? आर वी डूइंग इनफ? आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वन। 23 साल की जब घटना हुई थी तब थी वो, कितने समय खुशियों का आया होगा, लेकिन हमें उनकी खुशियाँ बहुत कम याद आती है। हमें हमेशा दिमाग में जो उनको तकलीफ़ मिली वो याद रहता है, वो दिन कभी नहीं भूलता है। खासकर इन दिनों में बहुत मुझे दिक्कत होती है, सारी चीज़ें जैसे लग रही है, लगती है कि अभी की है, इसी महीने की है। ये दुख हमेशा रहता है कि वो 10 दिन जिंदा तो रही लेकिन बची एक बूंद पानी के लिए तरस गई, तो ये मुझे कभी नहीं भूलता है।